नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय कारोबारियों से मुलाकात पर उठे सवाल। अमेरिका के एक प्रमुख अखबार ने कहा, ट्रंप अपने कारोबारी हित साधने के लिए अपनी सरकारी हैसियत का कर रहे हैं गलत उपयोग। न्यूयॉर्क में ट्रंप ने की थी भारतीय कारोबारियों से मुलाकात। चीन के कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी का कहर, प्रशासन ने बर्फीले तूफान की आशंका के चलते जारी किया ब्लू अलर्ट, लोगों को घरों के अंदर रहने की दी चेतावनी। पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने सिंध प्रांत के तट से 43 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। अरब सागर में पाक की जल सीमा में प्रवेश करने का है आरोप, विदेशी कानून और मत्स्य पालन कानून के तहत मामला दर्ज। लाहौर में आईसिस के लिए लड़ाकों की भर्ती करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। लड़ाकों की भर्ती कर भेजा जाता था सीरिया और अफगानिस्तान, पंजाब के आतंकवाद रोधी विभाग ने की पुष्टि। सीरिया में तुर्की के जेट विमानों ने आईसिस के 17 ठिकानों को किया नष्ट। आईसिस के कब्जे वाली दो इमारतों पर 16 बम गिराए। हमले में तुर्की के 2 सैनिक घायल। और पश्चिमी अर्जेंटीना और चिली के कुछ हिस्सों में 6.4 तीव्रता का आया भूकंप। कुछ समय के लिए फोन सेवाएं हुई बाधित, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।